हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन। प्रजनन में हमने आपको एक पॉइंट पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, आप देखेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एक एक वीडियो का आपको लिंक मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है किस चीज के बारे में, जीवन अवधि के बारे में। तो आज हम लोग प्रजनन के बारे में एक बार फिर से आपको हम आपको परिभाषा बताएंगे और आज की वीडियो में हम लोग प्रजनन के प्रकार पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड या तो जो अदर स्टेट बोर्ड से हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बच्चे इस वीडियो को देखें, और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी वीडियो हम लोग डाल रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई जो जनन है, प्रजनन है, उसके कितने प्रकार होते हैं और प्रजनन होता क्या है। तो प्रजनन के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है कि प्रजनन जैविक की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी एक जीव या जंतु अपनी ही तरह संतान को उत्पत्ति करता है, उसे प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन की अगर हम बात करें तो प्रजनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अगर हम प्रजनन की बात करें तो प्रजनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है जिसे अलैंगिक जनन कहा जाता है और दूसरे को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो आइए हम आपको पहले अलैंगिक जनन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, फिर लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यानी कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक जनक की सहायता से उनसे एक नए संतति का उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन के भी प्रकार होते हैं तो अभी आज के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उससे जो संतति उत्पन्न होते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है, जैसे मनुष्य। अलैंगिक जनन जो होता है, जैसे आपको एक कोशिकीय जीव में देखने को मिलेगा, अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, हाइड्रा हो गया, यूग्लेना हो गया, तो उन सारे में अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। आइए अब हम लोग आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि अलैंगिक जनन यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन हमने आपको बता दिया जिसमें एक जनक की आवश्यकता होगी और उससे जो नया संतति बनेगा उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। अब अगर हम अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें तो अलैंगिक जनन को मुख्यतः पांच प्रकारों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो इसके पांच प्रकार जो है वो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा होता है जिसे द्विविखंडन कहते हैं या द्विविभाजन कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहा जाता है। द्वि मतलब दो और विभाजन या विखंडन मतलब बांट देना, बट जाना। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखें तो आप समझिएगा बहुत ही ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं अमीबा का। अमीबा का एग्जांपल हम आपको यहाँ पे बताते हैं। एक मान लीजिए कि अमीबा है, अमीबा का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। अगर इस अमीबा से टूट करके दो अमीबा बन रहा है, दो अमीबा बन रहा है, तो ये जिस विधि से बनता है उस विधि को द्विविखंडन या द्विविभाजन कहा जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामेसियम। आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिए गए हैं। आपसे मैं अपील करूंगा कि आप एनसीईआरटी को ज्यादा प्रीफर करें। एनसीईआरटी से एग्जाम्पल यानी उदाहरण और एनसीईआरटी की परिभाषा ही ध्यान में रखें और एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होता है जिसे हम मुकुलन विधि के नाम से जानते हैं। देखिए मुकुलन विधि क्या है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुकुलन विधि का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण है ईस्ट एंड हाइड्रा। तो ईस्ट और हाइड्रा की अगर हम बात करें तो अगर आप ईस्ट को देखें तो ईस्ट जो होता है वो ईस्ट में कैसे होता है, ईस्ट के बीच में भी न्यूक्लियस होता है और यही ईस्ट जो है इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो आगे चल करके
बाहर निकल जाते हैं और इससे एक मुकुल का निर्माण हो जाता है। जी हाँ, मुकुल, एक मुकुल का निर्माण होता है इससे एक मुकुल। और ये मुकुल जो होते हैं वो कुछ दिन बाद अलग हो जाते हैं, अलग हो करके एक नया इष्ट बना देता है, एक नया मुकुलन विधि के द्वारा एक नया इष्ट का निर्माण कर देता है। और जिस विधि से ये क्रिया संपन्न होती है इसलिए इसे हम मुकुलन विधि कहते हैं। तो पहला हमने पढ़ा द्विविभाजन या द्विविखंडन विधि, दूसरा मुकुलन विधि जिसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। तीसरी बात करें तो तीसरा हमारा जो है वो खंडी भवन। देखिए खंडी भवन का मतलब क्या होता है, खंडी भवन जैसे मान लीजिए कोई भी एक, ये मान लीजिए एक डंटी है, कोई भी एक पौधा है, इस पौधे को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना, यानी इस पौधे को खंड खंड में विखंड कर देना। आपने देखा होगा कि कोई, बहुत से लोग ऐसे बोलते होंगे कि यार वो तो उस चीज का खंड खंड कर दिया, मतलब चकना चूर कर दिया, तोड़ दिया। तो यहाँ पे खंडी भवन क्या कहता है कि खंडी भवन में एक टुकड़ों में टूटता है कोई भी चीज, तो जिसे खंडी भवन कहते हैं। जैसे पेनिसिलियम वगैरह जो होता है वो खंडी भवन का एग्जाम्पल है। चौथा अगर हम बात करें तो चौथे में बीजाणु जनन। अब देखिए बीजाणु जनन क्या होता है, बीजाणु जनन एक क्या होता है कि कोई भी एक जीव होता है उस जीव में बीजाणु होते हैं, और वह बीजाणु क्या होते हैं कि उस जीव से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं अपने सक्षम वातावरण में, जिसे बीजाणु जनन कहा जाता है। यानी कि बीजाणु रहित यानी बीजाणु सहित जीवों से, उनके बीजाणुओं से उनके ही प्रकार का एक नया जीव की उत्पत्ति होना, जिसे बीजाणु जनन कहा जाता है। अब आइए हम लोग पांचवे और आखिरी पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं कायिक जनन। जी हाँ दोस्तों, कायिक जनन। देखिए ये जो कायिक जनन है, इस कायिक जनन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। कायिक जनन की अगर हम बात करें तो कायिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, यानी इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला तो कायिक जनन केवल और केवल पौधों में ही देखने को मिलता है। अगर हम कायिक जनन की प्रकार की बात करें तो कायिक जनन को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन जो कि प्राकृतिक रूप से कोई भी अगर इंडिविजुअल यानी कोई भी प्रजाति अपनी ही तरह एक नए प्रजाति का निर्माण करता है, जो कि कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक माध्यम से होना चाहिए, जो कि पेड़ पौधों में ही देखने को मिलता है, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन के नाम से जानते हैं। दूसरा कायिक जनन की बात करें तो दूसरा को बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। जी हाँ, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन एक ऐसा कायिक जनन है जो कि मानव रहित कायिक, कहने का मतलब कि उसको मानव निर्मित कायिक जनन कहा जाता है, मतलब मानव ने उस चीज को बनाया है, तो ये इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कृत्रिम कायिक जनन। देखिए अब कृत्रिम कायिक जनन की बात करें तो कृत्रिम कायिक जनन में हम आपको तीन उदाहरण बताते हैं। एक कलम विधि। जी हाँ, एक कलम विधि। कलम विधि में क्या होगा, कलम विधि में जैसे मान लीजिए कि गुलाब का पौधा आप ले लीजिए, एक गुलाब के पौधे में से आप एक उसकी टहनी को काट करके और अलग लगा देते हैं और उससे जो नया गुलाब का उत्पत्ति होता है, जो नया गुलाब बनता है, तो उसे कायिक जनन की जो कृत्रिम विधि है उसके अंदर वो कलम विधि कहलाता है, ठीक है। जैसे गुलाब इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा विधि की अगर हम बात करें तो दाब विधि। जी हाँ, दाब विधि। अब दाब विधि क्या होता है, दाब विधि को लेयरिंग मेथड कहा जाता है। अब दाब विधि में मान लीजिए कि कोई एक आपका ये पौधा है और इस पौधे की एक टहनी को, ये आपका टहनी है, इस टहनी को आप क्या कर देते हैं कि मिट्टी के पास झुका देते हैं और उसमें मृदा भर देते हैं एक इसकी टहनी के पास, और उससे जो एक नया टहनी निकलता है उसको आप काट करके और अलग लगा देते हैं, उसको दाब विधि कहा जाता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लेमन। जी हाँ, लेमन का बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी लेमन वगैरह। तो दाब विधि। जो तीसरी विधि होती है जिसे हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं, कहने का मतलब किसी चीज को ग्राफ्ट कर देना। दो मान लीजिए ये प्लांट है,
इन दोनों पौधे के अलग अलग हिस्से को थोड़ा थोड़ा काट करके और उसको जोड़ देते हैं और उससे जो नया पौधा निकलता है जिसे हम ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं, ग्राफ्टिंग विधि कहते हैं। जैसे आम का एग्जांपल बहुत बेस्ट है, आम के पौधों का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए दो वैरायटी लीजिए, एक दशहरी लीजिए, एक आप मालदा आम लीजिए, उन दोनों के पौधों में से अलग अलग निकाल करके और उन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी उससे उसको फिर टाइटली बांध दीजिए और उससे जो नया पौधा बनेगा ना उसको ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो अलैंगिक जनन के पांच प्रकार होते हैं, उन पांचों प्रकार को हमने आपको एक एक कर करके बता दिया। पांचवें प्रकार जिसे कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन का दो हमने आपको प्रकार बताया, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है मरुस्थल। आप अगर गर्मी के समय पे मरुस्थल में जाते हैं जो कि चनचनाती हुई धूप, बहुत तेज धूप, तो आपने देखा होगा वहां सूखा ही सूखा, वहां पे कुछ पौधों के अवशिष्ट पदार्थ मिलते तो है लेकिन वो सूखे अवस्था में होते हैं, वो हरा भरा नहीं होते हैं, उनमें कोई भी वृद्धि नहीं होता है, उनसे कोई भी संतति उत्पन्न नहीं होता है, वो कोई भी जनन का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका अनुकूल वातावरण आता है, यानी कि अनुकूल वातावरण आते ही, जैसे बारिश का मौसम जब आता है तो उस बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो छोटे छोटे अवशिष्ट जो पेड़ पौधे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें क्या होने लगता है कि अनुकूल वातावरण के कारण उनको जल मिलने लगता है जिसमें उनमें नमी आ जाती है, उनको सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश मिलने लगता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने लगते हैं और वो हरा भरा दिखने लगते हैं। तो वो उनका कौन सा बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है जो कि प्राकृतिक कायिक जनन का ये एग्जांपल है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि कायिक जनन में क्या क्या इसके प्रकार है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लैंगिक जनन है वो लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन की कितनी अवस्थाएं होती हैं और लैंगिक जनन की कितनी अवस्थाओं के बारे में हम लोग, इन तीन अवस्थाएं होती है उस सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस स्टडी प्लस टू चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।